पार्टी इन थाईलैंड इज अबाउट टू एंड, क्योंकि ये है राउंड नंबर 6, द लास्ट मैच ऑफ द पबजी मोबाइल स्टार चैलेंज एशिया फाइनल्स। और इससे पहले कि हम लोग मैच में आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि टॉप 3 टीम्स जो है वो जाएगी दुबई में टू पार्टिसिपेट इन द पबजी मोबाइल स्टार चैलेंज ग्लोबल फाइनल्स। फ्लाइट पाथ की बात करें तो लिपोफ्का के पास से होते हुए प्रीमॉस्क मिलिट्री बेस में इस बार कुछ ज्यादा पंगे देखने मिलने वाले हैं। जो मैप का नॉर्दर्न साइड है, जार की शूटिंग रेंज से लेकर पूरा इलाका, वहां पे लगता नहीं कोई जाने वाला है। मिलिट्री बेस की बात करें तो मिलिट्री बेस में बहुत सारी टीम्स उतर रही है। अगर रैंकिंग्स की फिलहाल बात करें तो नंबर 1 रैंक पर जो है आफ्टर राउंड नंबर 5 वो है RRQ, सेकंड पर है ईवोस और थर्ड पर है द कंफर्टेबल पेंगुइन टीम। अब देखना यह कि क्या बाकी कोई टीम इनके आगे जा सकती है। इंडियन टीम्स की बात करें तो इंडियन टीम 8-bit है एकदम लास्ट रैंक पे, लास्ट मैच के बाद रैंक नंबर 20 पर है 8-bit, और IND आती है रैंक नंबर 14 पर। इकरा आपको दिल टूटा हुआ खाली ऐसा घरा हरा ग्रे कलर का दिल उधर है, और टीम IND को आप देख सकते हो मस्त बालकनी में बैठ कर खेल रहे हैं। ANG की टीम भी यहाँ पर बालकनी में बैठी है, सब लोग ऐसे मस्त बैठ कर खेल रहे हैं, नीचे स्विमिंग पूल को देख रहे हैं। ANG की टीम और IND दोनों के दोनों मिलिट्री बेस में आए हैं, बहुत ही रिस्की बोल्ड मूव IND की तरफ से। ऑफकोर्स IND को वो किल्स की जरूरत है, अगर उनको रैंक पे ऊपर आना है तो मिलिट्री बेस इज द राइट प्लेस किल्स लेने के लिए। आसानी की तरफ एक नेड मारा था और हेलमुट ने दूर से नोवा को स्पॉट किया, गोली मारने की कोशिश, बट आई डोंट थिंक नोवा गोली पड़ने वाली है। और दूर से रेक्स ने देखा, रेक्स हेलमुट को गोली चलाते हुए ज्यादा कुछ खास डैमेज नहीं कर पाया, बट लेवल 3 का जो उसका आर्मर था उसको ऑलमोस्ट आधा डाउन कर दिया। अभी हेलमुट सीधा सीधा रेक्स के तरफ बढ़ते हुए बैंडेज मार लेंगे, पहले अपने आप को हील कर लेंगे, 9 बैंडेज इनके पास है। और ANG का जो किसिल है वो फिलहाल स्काउट और रेक्स को देखते हुए, स्काउट ओपन में नहीं, रेक्स के पास ही है स्काउट, और खुले में रश करते हुए स्काउट को स्पॉट किया है। क्या ये स्काउट को मारेंगे, ये रेक्स साइड से गोली चलाते हुए किसिल का हेल्थ आधा लो कर दिया, और एक और बार पीक करके गोली मारेंगे। दोनों आदमी लो हेल्थ पे, दोनों का आधा हेल्थ लो। किसिल यहां से एक क्विक नेड सीधा उसकी तरफ और नेड डाल के साइड से वेट करा और रेक्स को यहां पर खत्म कर दिया। टीम IND का रेक्स, ये है रेक्स लास्ट में राइट साइड में, बहुत भड़क चुके हैं। टेंशन की बात नहीं भाई, आप जाके वॉर मोड खेलो, कोई टेंशन की बात नहीं, जाओ आर्केड खेलो। और नोवा यहाँ पर इस रेडियो टावर में ऊपर चढ़ते हुए फिलहाल, बाकी के 3 बंदे अभी तक अलाइव है टीम IND के। एक चिकन डिनर से कुछ कह नहीं सकते, टॉप 3 टीम ऐसे चुटकी बजाते ऊपर से नीचे आ जाएंगे। असासिन ऊपर से आगे, हेलमेट को डाउन कर दिया, और अभी ध्यान है दूसरे बंदे के ऊपर गोली चलाई। बहुत लो पुश करो, मारो, अरे पुश करो, बंदा बहुत लो, पीछे से कोई और है मारने, नोवा शायद से वहां से मार लेंगे। बाकी की टीम यहां से आते हुए गलत जगह नेड फेंका, वापस आ चुके हम MC और एक्स गेमर को देखते हुए। एक और बंदे को नॉक आउट कर, एक्स गेमर के 2 बंदे खत्म इसी मैच में, 2 बंदे अभी तक जिंदा है, और असैसिन ने एक और बंदे को नॉक आउट कर लिया। कितना लो हेल्थ है, इधर बैठ के फर्स्ट एड किट मारेंगे, लगता है इनकी टीम बैकअप देने फिलहाल आ रही है। इतने लो हेल्थ पे रश करना सही नहीं होगा, पर एक और बंदे को नॉकआउट किया, खुद भी नॉकआउट हो गए। मैं 3 बंदे नॉक कर चुका हूं, 3 बंदे नॉकआउट, सही बात है, 3 बंदे नॉक कर चुका है, बहुत सही खेला भाई ये बंदा, बहुत सही खेला, मजाक नहीं कर रहा, ये बंदा बहुत सही खेला। स्काउट दूर से VSS लेकर मारने की कोशिश, यार कोई टीम सामने नहीं आ रही इनकी, सामने जाकर मारना चाहिए भाई, सामने जाकर मारो यार। IND का एक ही बंदा खड़ा है, वो है स्काउट। स्काउट फिलहाल गाड़ी लेकर कहां जा रहे हैं, स्काउट ओके, एक पोजीशन लेकर फिलहाल ऊपर से मारने की कोशिश, लगता है अभी तक उनके टीम्स तो रिवाइव हो चुके होंगे। एक बंदा ने रश भी कर दिया इनके ऊपर, और असैसिन नॉक्ड आउट इस जगह के दूसरी तरफ, और किसिल दूर से इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ANG के लगता है पूरे टीममेट्स रिवाइव हो चुके हैं, नॉट अ गुड कोऑर्डिनेशन अगर बात करें तो, यहाँ पर अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर लेते और इसके साथ टीम IND मुझे लगा इस पे AR है, लास्ट रैंक पर लेजिट मुझे लगा इस पे AR है, दूसरे टाइम पे अगर VS से आता ना तो बहुत ज्यादा करता। अब देख डैमेज बैन चोर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो देख भाई, हो गया, अच्छा खेले, झगड़ो मत, मेरा देख भाई, अरे बैठ जाओ, अरे दादा बैठ जाओ तीन नॉक करके बैठा हूं भाई, पेप्सी ला रहे हैं, कुछ ठंडा पिंडा ला कुछ, अरे बैठ जाओ
अब बैठ जाओ ठंडा वंडा लो भाई, आप ठंडा लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, अगले अगले बार खेलेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, वॉर मोड खेलो जाके, ठंडा लो यार, तो भड़क भड़क गए थे यार। सच बताओ तो उस इलाके में थोड़ा सा अगर कोऑर्डिनेशन हो जाता, एक साथ अगर रश कर लेते तो बहुत बढ़िया खेल जाते। वहाँ पे एक बंदे ने अकेले 3 लोग को सिंगल हैंडेडली नॉकआउट किया था। अगर टीम की तरफ से थोड़ा सा और सपोर्ट बैकअप उस जगह मिल जाता तो शायद से एएनजी को उन लोग खत्म कर देते। और अगर एएनजी इस गेम में भी इतने लास्ट रैंक पर मर जाती तो दैट वुड बी अनदर टाइम जब एएनजी ऑलमोस्ट लास्ट रैंक पर मरी है। 8 बिट को देख सकते हो, हमारी आखिरी उम्मीद अभी जो रैंक 20 पर है, सबसे लास्ट रैंक पर है, हमारी आखिरी उम्मीद कुछ कर दिखाने के लिए। शायद से एयर ड्रॉप लूट के आए थे, यस इन्होंने एक एयर ड्रॉप लूटा है और एयर ड्रॉप से एक AWM मिली है इन्हें। अब देखना है कि क्या इस AWM से इन लोग कमाल कर पाएंगे। अगर मैप की बात करें तो यहां पर 8 बिट के सामने CBD की टीम आ रही है, बहुत एक दूसरे के आसपास सीपीटी के चारों बंदे, 8 बिट के चारों बंदे। लगता है यहां पर एक घमासान युद्ध होने वाली है दो टीम्स के बीच में हमारे। बस देखना यह है क्या 8 बिट वाले सीपीटी को मार सकते हैं। और सर्कल फेवर में आ चुका है प्रीमॉस के, इसका मतलब 8 बिट को कहीं नहीं जाना है, पूरा गेम उनके फेवर में चल रहा है इस बार। उनको सर्कल से निकलना भी नहीं, उनको वहां से दूर जाना भी नहीं है, उन लोग जहां पर है वहीं पर सेफ एंड साउंड है, सभी लोग को अंदर आना है। अगर टीम नार्कोस को देखे, सबसे दूर है टीम नार्कोस यहाँ पर, बी द कंफर्टेबल पेंगुइन टीम यहाँ पर कंफर्टेबल होते हुए कुशन वुशन लेके। देखो हमारी 8 बिट ने गद्दे वद्दे कुछ नहीं लिए, उनके नाम में कंफर्टेबल है। देखो इन लोग भी गद्दे वद्दे लेके मस्त वाले बैठे हुए यार, गद्दे लेके बैठ जाते यार तुम लोग भी यार, 8 बिट क्या कर रहे हैं 8 बिट वाले यार, गद्दे दे दो यार इनको बैठने के लिए। कोई यार उंगली छटका, कोई कोई बात नहीं, हम भी छटकाएंगे, ये लो भाई हम भी छटका लिए तुम्हारे साथ, साउंड इफेक्ट मजा आ गया। हाँ हाँ खेलो, अच्छी बात है, हाँ चलो चलो खेल में आते। आर यू नूब जापान स्ट्रीमर टीम, 8 बिट का डॉन नॉक्ड आउट है फिलहाल यहां पर। गून माफिया और थग तीनों के तीनों जिंदा लगते हैं, गून जाके रिवाइव करने के लिए भागेंगे और गून को गोली पड़ी, गून भी नॉक आउट हो चुका है यहां पर। गाली वाली पे उतर आए भाई, कोई दिक्कत नहीं, इमोशंस बह रहे हैं। थग सीधा रश कर रहा है उनके तरफ, अकेला बंदा और ये भी नॉक आउट हो चुका है यहां पर। क्या हो रहा है भाई, माफिया अकेला बंदा जिंदा है, कवर दे रहा हूं, थग को पूरा मार के खत्म कर दिया, भड़क गया बंदा। AWM से किल भी नहीं लिया लगता उन्होंने। और यहां पर वापस आ चुके 8 मिनट की तरफ, जहां पे अपने टीममेट्स को रिवाइव कर लिया माफिया ने, गून और डॉन रिवाइव हो चुके हैं। और सामने टीम नंबर 12 RP उनसे बदला लेना है, उन्होंने उनके टीम में थग को पूरा पूरा मार दिया था। इट्स रिवेंज टाइम बॉयज। और एक्स गेमर का अकेला बंदा इस घर के अंदर कैंप कर रहा था, उसने एक बंदे को एज के नॉक आउट कर लिया और बाकी के तीनों घुस के क्विकली इसको खत्म कर दिया और बच गए। और टीम नंबर 1 कर खत्म कर दिया PGS की टीम को। और यहां पर आप देख सकते हैं 8 बिट टॉन को डाउन किया, रैम्पेज टीम ने ऊपर 8 बिट डॉन को डाउन किया, माफिया ने एक बंदे को मारा, माफिया ने एक कॉम्बो को मार दिया, मैं किल फीड में देखकर बात कर रहा हूं आपसे। और सीपीटी की टीम के दो बंदे नॉक्ड आउट, ईवोस वर्सेस सीपीटी, 3 बंदे नॉक्ड आउट, एक बंदा साइड में राइट आपके लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख रहा है आपको, स्नेक करते हुए स्क्रीन के बाहर चला गया। ईवोस के 3 बंदे, सीपीटी का बस एक बंदा खड़ा है, 2 के तो नॉक्ड आउट, ईवोस रैंक 2 टीम और सीपीटी रैंक 3 पर टीम है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा था सब मर गए थे, बट नहीं, 2 बंदे जिंदा है, 16 लोग अलाइव, इनमें से 3 है हमारे 8 बिट के बंदे। सोने का मजा चला। क्या लगता है तुमको, क्या 8 बिट इस मैच को जीत पाएगी, क्या 8 बिट इस मैच में चिकन डिनर ले पाएगी? अगर 8 बिट ने चिकन डिनर ले लिया तो बहुत बड़ी बात होगी भाई। और यहां पर ओम वाला बंदा अभी तक जिंदा है। RQ टीम ईवोस के चार सामने, बुलशार के ईवोस का एक बंदा नॉक्ड आउट, जेसी 2 बंदे फिलहाल खड़े यहां पर। ओ कार 98 हेडशॉट, गून ने क्या मारा, 5 के लिए पर 8 मिनट के। और यहां पर बुलशार दूर से गोली चलाते हुए सीनियर के ऊपर, 4 की मलाई, ईवोस 8 बिट जापान स्ट्रीमर टीम और RRQ
गोलीबारी हो रही है जापान सीमा टीम की तरफ। एट इवोस आरआरक्यू खत्म, जापान सीमा टीम ने आरआरक्यू को खत्म कर दिया। बहुत सही खेला, तालियां बजाओ यार, ठोको तालियां। आरआरक्यू खत्म कर दिया, पर आरआरक्यू को जिनके घर का रोशनी बंद हो गया वो मर चुके यार। ये अच्छी बात है कि बोलते जो मर गया रोशनी बंद कर देंगे, बिजली काट देंगे तुम्हारे घर का। और कून यहाँ पर इवोस को मारते हुए एट बिट टॉप थ्री में ऑलरेडी आ चुकी है हमारे इंडिया की आखिरी उम्मीद। कून यहाँ पर कार 98 में 8x स्कोप लगाकर जापान सीमा टीम और इवोस एक दूसरे के आसपास मार पीट करते हुए फिलहाल रश कर रहा है। और कून ने इनफैक्ट डॉन को रश करने के लिए स्मोक डाल के एक अच्छा सा कवर दे दिया है। ये किसे कहते हैं टीम वर्क। जेसी ने यहाँ पर एक बंदे को नॉकआउट कर दिया और इसी के साथ जापान की टीम खत्म। टू टीम्स अलाइव, इवोस वर्सेस 8-bit। हमारी इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेले, ओके हो गया, बाहर में जाओ, हटो रे, इंडिया दिखाओ, इंडिया किधर है। 8-bit के एक बंदे को नॉकआउट कर दिया। फिलहाल यहाँ पर कून नॉकआउट हो चुका है, डॉन अभी तक जिंदा है और यहाँ पर जेसी को नॉक आउट कर दिया है। क्या मारा बुलशार कोडली का अलाइव, यहाँ पर कून को खत्म करके किल सक्सेसफुल ले लेंगे। फिलहाल जेसी नॉक्ड आउट है और इस घर के बाहर डॉन और माफिया और कून को खत्म कर दिया सक्सेसफुली। 2v1 सिचुएशन, एक बंदा नॉक्ड आउट है। 8-bit वर्सेस इवोस, क्या होगा इस मैच में, क्या इंडिया इसको जीत पाएगी। माफिया और गोली मार दिया, विनर विनर चिकन डिनर 8-bit। खुशी देखो बंदों में यार, नाचने लग गए भाई, मार भी हमारे बंदे को दिखा, हमारे बंदे ना खुश हो गया, देखो देखो सकल देखो, आय हाय खुश हो गया, बहुत बढ़िया खेली 8-bit, विनर विनर चिकन डिनर, जीजी गेम बॉयज। 8 kill टोटल 8-bit के, माफिया 4 kill पर, बहुत सही खेल। फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट है, बहुत बड़ी एक्सपोजर है, तो पहली बार ऑर्गेनाइजिंग टीम को हम लोग थैंकफुल है बिकॉज इन्होंने इतना अच्छा इवेंट हमारे लिए किया है।